30 अक्टूबर को अलादीन और उसका जिन हमारी किताबी दुनिया से बाहर निकलकर बॉक्स ऑफिस पे दिखने वाला है। इस वक्त मेरे साथ अलादीन का जिन और उसका लैम्प तो नहीं है, लेकिन खुद मौजूद हैं अलादीन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर रितेश देशमुख की, जो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिल्म अलादीन पर। वेलकम टू राइट नाउ रितेश उर्फ अलादीन। थैंक यू सो मच। ये नया अलादीन है, पुराने टाइम में हमारे माइंड में एक स्केच होता था अरेबियन गाइस, और ये पूरा मुझे तो पूरा मॉड लग रहा है ये अलादीन। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न डे अलादीन है ये, आज की तारीख का अलादीन है, और ये सुजॉय के दिमाग में जो अलादीन है उसकी छवि है। तो या आज इसलिए ये स्वेटर पहनता है, स्कूल बैग, कॉलेज, तो ही डज एवरीथिंग दैट हैपेंस टुडे। इसके किरदार भी इसमें बिल्कुल अलादीन के अलग हैं, उसमें इम्प्रेस होती है एक मलिका अलादीन के काम से। इसमें अलादीन जैसे आपने कहा कि निस्वार्थ भाव से एक विश करता है कि वो अपने तरीके से अपनी मलिका को इम्प्रेस करें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अलादीन, जैसे मैंने कहा कि एक लड़का है जिसका नाम अलादीन है, ये वो अलादीन नहीं है। ये अलादीन है जैसे बचपन से उसे उसके दोस्त उसको परेशान करते हैं, बच्चे मारते हैं उसे, बोलते हैं कि लैम्प के सर, एक प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं वो अलादीन नहीं हूँ, मैं कहानी वाला अलादीन नहीं हूँ, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करो, एनी हेट्स लैम्प्स। तो मुझे लगता है ये पहला अलादीन होगा एडेप्टेशन में जो लैम्प से नफरत करता है, और किस तरह उसके नसीब में या डेस्टिनी में वही लैम्प आना लिखा होता है और वो हो जाता है और जीनियस बाहर निकलते हैं, किस तरह केमिस्ट्री उन दोनों में होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट अलादीन और उसके जीनी शेयर करते हैं, अलादीन और जैस्मिन शेयर करते हैं, और जीनियस एंड द रिंग मास्टर, वन शुडंट फॉरगेट के संजय दत्त जो रिंग मास्टर की भूमिका कर रहे हैं, एक एंटी हीरो बट एक लवेबल नेगेटिव पावरफुल गाय, इट्स आउटस्टैंडिंग टू सी द टू ऑफ दैट। अच्छा, ये तो फिल्म में था कि जीनी ने बोला कि क्या चाहिए, तो आपने कहा कि नहीं, जो मैं करूँगा अपने उस पर करूँगा, लेकिन अगर वाकई में लैम्प मिल जाए तो आपको क्या करना है? मुझे लैम्प मिल जाए, मैं लैम्प घिसूंगा। और लैम्प के बाद विश क्या होगा आपका? उसके बाद अमित जी बाहर आएंगे। नहीं, वो तो है फिल्म के अंदर, तो है आपकी वो विश तो कंप्लीट हो गई अमित जी के साथ काम करने की। मैं यही अगर मैं लैम्प के अलावा और कोई विश नहीं है। जैकलिन ने आपको हिंदी सीख के इम्प्रेस किया, और आपने अपनी शूटिंग के दौरान अपने अभिनय से जैकलिन को इम्प्रेस किया? नहीं, आई थिंक जैकलिन बहुत मेहनत करती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है, और मुझे लगता है कि शी हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, क्योंकि इतने कम समय में उन्होंने हिंदी लैंग्वेज पर फिल्म के लिए जितना कमांड होना चाहिए था उतना जमा लिया है। एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, खूबसूरत लगती है, तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉर हर, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो अच्छी इंसान है, हमेशा हंसती है, हंसाती है, कोई हैंग अप नहीं है उनके, तो यू नो इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद पीपल लाइक दैट। मैंने तो हालांकि दो फिल्में मैंने की है, सो आई कैन अश्योर यू दैट शी इज़ फैंटास्टिक। बात की जाए फिल्म की, तो ऐसा क्या लगा आपको जब सुजोय ने आपको स्टोरी सुनाई अलादीन के बारे में? हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसा लगा जो चैलेंजिंग हो आपके लिए सबसे ज़्यादा? इन अलादीन की एक कहानी है, मस्ती के बाद सुजॉय मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि फिल्म करनी है, करते हैं साथ में। हम ओके करते हैं, तो हम लोग फिर कॉफ़ी पीने मैरिट में बैठे थे, और उन्होंने कहा कि क्या बनाते हैं, तो मैंने कहा वी कैन वर्क ऑन एनीथिंग। तो उस कॉफ़ी शॉप में एक अलादीन की डीवीडी थी और एक कॉमिक बुक था, तब उन्होंने कहा अलादीन बनाए, तो मैंने कहा क्या नहीं अलादीन बनाए, तो यू मीन ये अलादीन? तो हाँ, तो मैंने ठीक है बना दे। तो उसके बाद उन्होंने फिर कहानी लिखी, फिर उसको ट्विस्ट किया, फिर उसको चेंज किया नए प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसके बाद रन आ रही है जनवरी में, जो एक मीडिया पर आधारित ड्रामा थ्रिलर है, फिर उसके बाद आएगी जाने कहाँ से आई है, जो मिलाप जवेरी और जैकलिन के साथ मेरी रोमांटिक फिल्म है, और उसके बाद आएगी हाउसफुल साजिद खान की आफ्टर हे बेबी, सो प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दीज थ्री फिल्म्स। 30 तारीख को बॉक्स ऑफिस पे रिलीज, कितनी सारी उम्मीदें हैं? हम लोगों ने मेहनत बहुत की है, और अब प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी उसमें लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है क्या है वो उसी दिन पता चलेगी। फिर फिल्म को क्रिटिकली रिव्यूज़ क्या मिलते हैं उस पर आधारित है, लोग फिल्म देखने के बाद क्या सोचते हैं उस पर आधारित है, तो तीन साल तक हम लोग लगे हुए हैं, तो वी जस्ट होप दैट पीपल लाइक द फिल्म। चलिए, हम चाहेंगे कि आपकी फिल्म, खास करके मुझे तो लगता है सबको बहुत पसंद आएगी, खास करके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। थैंक यू, आई होप सो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्लेजर।
तो सुना आप सबने इस अलादीन की क्या विश है। इनके विश है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा रिस्पॉन्स कर पाए, लेकिन ये विश उनके जीनी से नहीं है बल्कि आप सभी से है। कैमरामैन अशोक चौहान के साथ रुचि राय, लाइव इंडिया, दिल्ली।